हेलो मित्रों, आपका पुनः आर्यन कॉम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में दिशा का चैप्टर पढ़ेंगे। दिशा एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर कंपटीशन में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और दिशा के प्रश्न जो है आपके डायरेक्शन के प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे, जिसमें किसी भी कंपटीशन में आपके इससे कंफर्म है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें कई प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका पूछा जाता है दिशा और दूरी पूछा जाता है। उसके बाद आपका प्रश्न कोण के आधार पर आता है, कोण के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो कोड के आधार पर भी पूछा जाता है। कोड के आधार पर भी आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोड में क्या होता है कि दे देता है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी के पूरक में है, ऐसे आपका प्रश्न दे देता है, ऐसा दे देता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले वो पढ़ेंगे दिशा और दूरी, यानी जो आपके प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग वो दिशा और दूरी से पढ़ेंगे। तो पहले हम दिशा में दिशा और दूरी शुरू करेंगे। तो दिशा और दूरी में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं कैसे हम लगाएंगे, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिशा और दूरी पढ़ेंगे। दिशा और दूरी में आपका कैसे प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे पहले मैं आपसे बता देता हूँ कि आपका होता है, ये हम लोगों का केंद्र बिंदु माना जाता है, और केंद्र बिंदु से दाहिने के तरफ आपका पूरब होता है, केंद्र से बाएं के तरफ आपका पश्चिम होता है, केंद्र से ऊपर के तरफ आपका उत्तर होता है, और केंद्र से आपके नीचे के तरफ दक्षिण होता है। यह आपका दिशा है, यानी केंद्र से दाहिने की तरफ आप अपने दाएं तरफ लेंगे तो पूरब मानेंगे, बाएं तरफ लेंगे तो पश्चिम, सामने के तरफ उत्तर, और नीचे की तरफ आपका दक्षिण हो जाएगा। आप इसके मुताबिक आप दिशा जानकारी के बाद आप सबसे पहले इनका दाएं बाएं जानेंगे। दाएं बाएं में क्या होगा कि अगर आप पूरब के तरफ मुंह कर कर जा रहे हैं तो ये आपका दक्षिण के तरफ दाएं, उसके बाद इसके उत्तर के तरफ आपका बाएं हो जाएगा, उसके बाद आपका पश्चिम के तरफ अगर मुंह कर कर जाते हैं तो ये आपका दाएं और ये आपका बाएं, अगर आप उत्तर के तरफ जाते हैं तो ये दाएं और ये बाएं, उसके बाद दक्षिण के तरफ जाते हैं तो ये दाएं और ये क्या होगा बाएं। यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले आप दाएं बाएं अगर जानकारी रखेंगे तभी आप जो है इस चीज को लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने जो है कि प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो अपने सामने कॉपी को रखेंगे, अगर आपका पूरब कहता है तो पूरब आप मान लेंगे, और दाहिने इधर के तरफ यानी जिधर के तरफ कहेगा वो आप जो है कि उस तरफ के घुमा सकते हैं। आपके जैसे जैसे प्रश्न आएगा उसको हम आपको क्या करेंगे समझाएंगे। तो सबसे पहले आपने जान लिया कि आपका अगर उत्तर के तरफ कोई व्यक्ति जाता है तो दाहिने तरफ पूरब होता है और बाएं तरफ पश्चिम होता है, अगर व्यक्ति कोई दक्षिण के तरफ जाता है तो बाएं के तरफ पूरब होगा और जो है कि दाएं के तरफ पश्चिम होता है, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम के तरफ जाता है तो बाएं के तरफ दक्षिण होगा और दाएं के तरफ उत्तर होगा, यदि कोई व्यक्ति पूरब के तरफ जाता है तो आपका दाएं दक्षिण के तरफ और बाएं उत्तर के तरफ माना जाता है। उसके बाद हम आपसे बता देते हैं कि इन दिशा के आधार पर आपका और चार दिशाओं का निर्माण किया जाता है, यानी इनके बीच की दूरी कहता है, तो इसको हम दक्षिण पूरब कहते हैं। इन दोनों दिशाओं के बीच के दूरी को हम आपका दक्षिण पश्चिम कहते हैं, इस दोनों दिशाओं के बीच को हम पश्चिम उत्तर कहते हैं, और इस दोनों दिशाओं के बीच को हम उत्तर पूरब कहते हैं। यानी इतने प्रकार के आपके जो है कि दिशा में आपके
दिशा संबंधित आपके जो डायरेक्शन है वो आते हैं। उसके बाद सबसे पहले कैसे प्रश्न आता है, हम दिशा और दूरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे प्रश्न कहेगा कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर पूरब के तरफ मुंह कर कर जा रहा है, तो आप पूरब मान लीजिए कि सपोज दैट 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर जाने के बाद बाएं घूम गया, तो अब यहीं पर निर्धारित करना है बाएं ऊपर की तरफ और दाएं नीचे की तरफ। तो जो बाएं होगा वो आपका बाएं घुमा और कितना गया, 3 किलोमीटर गया। तो यहाँ पर कह देगा कि पाइथागोरस प्रमेय तो यहाँ लगेगा, ये प्रश्न कहेगा कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर प्लस बनाएंगे, प्लस के मुताबिक ये पूरब होगा, ये आपका उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये आपका पश्चिम होगा। तो ये दो दिशाओं के बीच में व्यक्ति पहुंचा है, इन दोनों दिशाओं से लेंगे, यानी आपका दिशा जो होगा उत्तर पूर्व। दूरी की बात है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आप जानते ही हैं। यहाँ पर केवल एकमात्र पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र प्रयोग किया जाएगा, वह भी होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं कि पाइथागोरस के गुरु का नाम था थेलस था, और थेलस ने ही ये जो है कि पाइथागोरस प्रमेय जो है दिया था और उन्हीं के नाम पर दिया था। तो आप जानते हैं कि या तो इसको आप लिख लेंगे या कर्ण बराबर करणी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उन्होंने कहा था कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा, यानी उनको जोड़ने पर कर्ण का वर्ग आएगा। तो चलिए इसको आप लगाएंगे, तो इसके माध्यम से अगर लगाएंगे तो ये आपका कर्ण कहा जाता है, ये आपका आधार कहा जाता है, ये आपका लंब कहा जाता है। तो लंब का मान आपका दिया है 3 दिया है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो हमारा 9 होगा, प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा, और करणी में आप इनको जोड़ेंगे तो 25, और इसका वर्गमूल निकालेंगे 25 का तो 5 होगा, यानी 5 किलोमीटर होगा। यानी ये उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आपका दिशा और दूरी इसी प्रकार से प्रश्न क्या किया जाता है, पूछा जाता है। आपसे मैं बता देता हूँ कि इसके आगे आप देखेंगे तो उसके बाद दिशा और दूरी में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम दिशा से भ्रमित हो जाते हैं। एक और हम प्रश्न देख लेते हैं दिशा और दूरी का। आपका प्रश्न कह देता है, आपका प्रश्न कह देता है कि एक व्यक्ति अपने घर से जो है पोस्ट ऑफिस जाना चाहता है, एक व्यक्ति अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाना चाहता है, वह जो है पूरब के तरफ कुछ दूर चला, चलने के बाद वह एक बार बाएं मुड़ा तथा 3 बार दाएं मुड़ा, 3 बार दाएं मुड़ा। तो एक बार दाएं ये हो जाएगा, एक बार ये दाएं हो जाएगा, 2 बार और 3 बार दाएं मुड़ा। ये फिर से सुन लीजिए, ये प्रश्न कहेगा कि एक व्यक्ति अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाना चाहता है, वह अपने घर से पूरब की तरफ निकला, निकलने के बाद वह 1 बार बाएं तथा 3 बार दाएं मुड़ा। इसमें प्रश्न में कहेगा कि यदि वह प्रथम 3 चरणों में 2-2 किलोमीटर चला, यानी प्रथम 2 द्वितीय, यानी प्रथम 3 चरणों में वह 2-2 किलोमीटर चला तथा अंतिम चरणों में 4-4 किलोमीटर चला, तो बताइए कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, या उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा प्रारंभिक स्थान के बीच की दूरी का अनुपात क्या होगा। तो आप देखेंगे उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10, 10, 4, 14 होगा, और प्रारंभिक स्थान, ये प्रारंभिक स्थान है, इसको आप मिलान करेंगे तो ये भी 2 आपका हो जाएगा, 2, 2, 4 ये समानांतर हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। तो यानी प्रारंभिक स्थान से वह 2 किलोमीटर है, और दक्षिण दिशा में अगर दिशा पूछे तो दक्षिण दिशा में, यानी 2 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 7
दो एकम है, दो दो सौ चौदह यानी सात संबंध एक का अनुपात होगा, यानी उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थान के बीच की दूरी का अनुपात अगर पूछेगा तो आपका आंसर होगा सात संबंध एक। इसी प्रकार फिर से सुन ले, दिशा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला चैप्टर्स नहीं है, केवल कॉमन सेंस की बात है, कैसे प्रश्न करता है इस पर ज्यादा निर्भर करता है, लेकिन आपका दिशा फिक्स होता है कि दाहिने के तरफ आपका जो होगा वो पूरब होगा, बाएं के तरफ पश्चिम होगा, और आपका सामने के तरफ उत्तर होगा, और नीचे के तरफ क्या होगा दक्षिण। दो दिशाओं के बीच में वाले दिशा को हम दक्षिण पूर्व कहते हैं, इन दोनों दिशाओं के बीच की दूरी को हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं, इन दोनों दिशाओं के बीच के दिशा को हम पश्चिम उत्तर कहते हैं, इन दोनों दिशाओं के बीच को हम उत्तर पूर्व कहते हैं। एक और आपसे मैं बता देता हूँ कि ये दिशा जानकारी के बाद, उसके बाद हमारे जो है कि कई प्रकार से इसमें प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसमें जैसा प्रश्न कहेंगे कुछ परिवर्तन के आधार पर भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा हम इसको, जगह कम है यहाँ पे, थोड़ा सा मिटा देते हैं। आपसे मैं बता देता हूँ कि कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपके कह दिया जाता है कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर दक्षिण पश्चिम दिशा रख दिया जाए, यानी आपका आंसर कह देगा कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर स्थान पर दक्षिण पश्चिम दिशा रखी जाए, दक्षिण पश्चिम दिशा रखी जाए तो दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा, तो दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा, आपसे बताते हैं कि ठीक उसी प्रकार है, आपका विकल्प भी दिया रहेगा। पहला विकल्प आपका देगा पूर्व के स्थान पर पश्चिम, बी देगा आपका पूर्व के स्थान पर दक्षिण, और सी देगा आपका पश्चिम के स्थान पर दक्षिण, और चौथा देगा आपका उत्तर के स्थान पर पश्चिम। यह आपका देगा, तो आप देखेंगे कि इसको हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले अपना वास्तविकता जो दिशा है, वास्तविक जो दिशा है उसको आप मानक के आधार पर मानेंगे। जो हम आप मानक दिशा में वास्तविक माने हैं, ये हमारा पूरब होगा, ये हमारा पश्चिम होगा, उसके बाद हमारा ये उत्तर होगा, ये हमारा क्या होगा दक्षिण होगा, ये हमारा इसके आधार पर दक्षिण पूरब होगा, ये हमारे इसके स्थान पर दक्षिण और पश्चिम होगा, इसके अनुसार पश्चिम और उत्तर होगा, ये आपका उत्तर पूर्व होगा, ये आपका होगा। तो मैं आपसे बता देता हूं कि ये तो आपका जो हम लोग मानक के रूप में दिशा माने हैं कि भाई हमारे दाहिने तरफ पूर्व होगा, हमारे बाएं तरफ पश्चिम होगा, सामने की तरफ उत्तर होगा, और नीचे की तरफ दक्षिण होगा, ये तो आप पहले से मान चुके हैं। अब इसको परिवर्तन करना है,
इस प्रश्न के मुताबिक जो है कि परिवर्तन कहाँ है, कहा कि जो दक्षिण पूर्व है यानी जो ये आपका है दक्षिण पूर्व, इसके स्थान पर दक्षिण पश्चिम चला जाए, यानी ये स्थान पर हमारा दक्षिण पश्चिम चला जाए। तो मैं आपसे बता देता हूँ कि जब वो दक्षिण पश्चिम जाएगा तो आप ये समझिए कि 90 अंश पर दिशा घूम चुका है, यानी यहां पर आप पश्चिम मानेंगे तभी तो आपका दक्षिण पश्चिम, इसको आपको दक्षिण मानना पड़ेगा, यानी इसको आप पश्चिम मानेंगे तो इसको दक्षिण, अब इसको आप पूर्व मानेंगे और इसको हम जो है उत्तर मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे उत्तर, यही परिवर्तन होगा। यानी दक्षिण के स्थान पर पश्चिम आएगा, पूर्व के स्थान पर दक्षिण जाएगा, उत्तर के स्थान पर पूर्व जाएगा, पश्चिम के स्थान पर उत्तर जाएगा, ये परिवर्तन होगा। क्यों ऐसा परिवर्तन होगा, क्योंकि ये मान रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व हमारा क्या हो जाए दक्षिण पश्चिम हो जाए तो आपका आंसर क्या होगा, पूर्व के स्थान पर पश्चिम होगा, ये होगा नहीं, पूर्व के स्थान पर दक्षिण, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, आपका पश्चिम के स्थान पर दक्षिण नहीं होगा, पश्चिम के स्थान पर दक्षिण नहीं होगा, पश्चिम के स्थान पर उत्तर होगा, उत्तर के स्थान पर पश्चिम होगा ऐसा नहीं, उत्तर के स्थान पर क्या होगा पूर्व होगा। तो ये इस प्रश्न के मुताबिक आपका प्रश्न आता है, इस प्रश्न के मुताबिक जो है कि हम जो है कि परिवर्तन करते हैं। चलिए एक और हम प्रश्न देख लेते हैं जिसमें आपसे मैं बता देता हूं कि दिशा केवल, मैं आपसे बता देता हूं कि कॉमन सेंस की बात है, आप अगर केवल समझ रहे हैं तो दिशा के एक भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं, दिशा में केवल आपको ध्यान रखना होगा कि आपका दिशा जो है कि कैसे प्रश्न दिशा में पूछ रहा है। जैसे एक और चीज है, हम आपको कह दें इसी प्रकार प्रश्न कह दें कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, प्रश्न में बोल दिया जाए इसी प्रकार यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और आगे भी परिवर्तन का क्रम यही जारी रहे तो, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो, पश्चिम को क्या कहेंगे या पश्चिम क्या होगा, यानी पश्चिम क्या होगा, ये आपका प्रश्न कहेगा। यानी आपसे बताता हूं कि ये परिवर्तन के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, और परिवर्तन के आधार पर प्रश्न जो है आपके बिल्कुल आसान पूर्वक कहे जाते हैं। जैसे फिर बनाइए जो आपका मानक पर दिशा माने हैं, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, इसको हम दक्षिण पूर्व कहते हैं, इसको हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं, इसको हम पश्चिम उत्तर कहते हैं, इसको हम उत्तर पूर्व कहते हैं, ये मानक के आधार पर है। उसके बाद ये परिवर्तन की बात कर रहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी जो दक्षिण पूर्व है ये आपका उत्तर मानना है। तो एक और मैं आपको बताता हूँ कि जब ये उत्तर मान लिया तो मैं आपसे बता देता हूं कि ये तुरंत दक्षिण होगा, ये तुरंत क्या होगा दक्षिण होगा, और दक्षिण के बाद जब आप इसको उत्तर मान चुके हैं, इसको आप दक्षिण मान चुके हैं, तो जो ये दिशा होगा यहां भाग कर जाएगा, यानी इसको हम पश्चिम, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर के सदैव, उत्तर के सदैव जो बाएं होता है वो पश्चिम होता है, उत्तर के सदैव बाएं जो होता है वो पश्चिम होता है, तो जब ये पश्चिम होगा तो ये आपका पूरब होगा, ये आपका क्या होगा पूरब होगा। तो अब इसके आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर देना है,
इसके आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर देना है कि वास्तव में इसके आधार पर हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये परिवर्तन के आधार पर है, ये आपका पश्चिम, ये पूछा है कि पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम को अभिस दिशा से हम देंगे, जो नया दिशा परिवर्तन किया गया है उस आधार पर आपका आंसर होगा। जैसे आपका पश्चिम का पूछेगा तो पश्चिम को अब हम क्या कहेंगे, तो इनके आधार पर हम देंगे, यानी इसको हम दक्षिण पूर्व कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व, यानी आपका उत्तर जो होगा वो दक्षिण पूर्व होगा। चलिए इस प्रकार एक और हम प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा एक दिशा और दूरी में एक और प्रश्न देख लेते, तो परिवर्तन में रहा, जैसे दिशा और दूरी में एक और हम प्रश्न कह दिया जाए। एक प्रश्न आपका देता है कि एक व्यक्ति, जैसे प्रश्न दे देगा, एक लड़का अपने पिता को ढूंढने के लिए 100 मीटर दक्षिण तथा 100 मीटर पूरब के तरफ गया, पूरब के तरफ गया, उसके बाद वह उत्तर पूर्व दिशा में 100 करणी में 2 मीटर गया और उसके पिता मिल गए। यदि उसके पिता प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में मिले हैं तो वह कितनी दूरी पर मिले, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर मिले, यह आपका प्रश्न दे देता है, जिसमें आपका डायग्राम बनाना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो हम डायग्राम को कैसे बनाएंगे, कैसे हल करेंगे, हम आपको देखेंगे। देखिएगा, आप सबसे पहले जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे आप उसको देखेंगे। एक लड़का अपने पिता को ढूंढने के लिए 100 मीटर दक्षिण, यानी इसको मानेंगे कि 100 मीटर क्या होगा, दक्षिण होगा। 100 मीटर दक्षिण के बाद वह पूरब के तरफ 100 मीटर गया, 100 मीटर किधर गया, पूरब के तरफ गया। उसके बाद वह उत्तर पूर्व दिशा में, अब यहां से उत्तर पूर्व दिशा यही होगा, यानी 100 करणी में 2, और कह रहा है कि यहां पर इसके पिताजी क्या हो गए, मिल गए। तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर मिले, ये भी कहा है कि सीधा वो पूर्व दिशा में मिले। तो यहां से यहां तक की दूरी आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका जो है देखेंगे, तो सबसे पहले यहां से यहां तक मिलान कर देंगे, ये आपका एक वर्ग बन गया,
यानी ये दूरी बराबर ये दूरी हो जाएगा और ये दूरी बराबर ये दूरी हो जाएगा, यानी आपको पता चल गया कि यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया 100। उसके बाद आप यहां से यहां तक की दूरी को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं ये आपका लंब बोला जाता है, ये आपका कर्ण बोला जाता है, ये आपका आधार बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर आधार का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, आधार का। तो यहां पर आप लिखेंगे सूत्र के मुताबिक कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप देखेंगे कर्ण का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है कितना 100 करणी में 2 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है 100 करणी में 2 प्लस आधार का स्क्वायर। आपसे मैं बता देता हूं कि आप इसको वर्ग करेंगे तो ये केवल टूटेगा, ये आपका जो होगा वो आपका जो है 10,000 होगा, अगुणते ये केवल 2 बनेगा और ये आपका 10,000 होगा और प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आप देखेंगे तो ये तुरंत जो है कि 20,000 होगा। इसको आप इधर लाएंगे 10,000 को होगा, उसके बाद आधार का स्क्वायर, उसके बाद ये देखेंगे कि ये आपका घटाएंगे तो 10,000 होगा बराबर आधार, आधार के स्क्वायर को आप हटा देंगे ये तुरंत करणी में हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 10,000 का वर्गमूल जो होगा वो आपका जो है 100 होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी आपका कितना है 100 है। तो आप जोड़ लीजिए ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान से यह 200 मीटर की दूरी पर है, यानी ये 100 आपका हो जाएगा, ये 100 आपका निकल गया, यानी ये प्रारंभिक स्थान से 200 मीटर की दूरी पर है। और आपका दिशा बताई दिया है कि प्रारंभिक स्थान से वह जो है पूर्व दिशा में ही उसके पिताजी क्या हुए हैं, मिले हैं। चलिए थोड़ा सा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न भी दिशा और दूरी से होगा, जैसे आपसे प्रश्न और कर देगा, एक और इसमें प्रश्न आपके पूछ देता है दिशा और दूरी में, जिसमें लगाना जो है कि आसान है, वो केवल आप जो है समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में इसको हम कैसे लगाएंगे। जैसे आपका प्रश्न दे दे रहा है, आपका प्रश्न कहेगा कि एक व्यक्ति पूरब के तरफ 10 मीटर गया तथा बाएं घूमकर 15 मीटर गया तथा अंत में दाएं घुमा, अंत में दाएं घुमा घुमा और 10 मीटर गया, 10 मीटर गया तो प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर तथा किस दिशा में है, तथा किस दिशा में है। तो आप देखेंगे आपका प्रश्न जो है ऐसे भी पूछा जाता है, इसमें आप लगाएंगे बहुत कम समय में इसका उत्तर दे सकते हैं। एक व्यक्ति पूरब के तरफ कितना गया, 10 मीटर गया, 10 मीटर जाने के बाद एक बार बाएं घुमा तो बाएं किधर होगा, ऊपर की तरफ, और कितना गया 15, और अंत में
अंत में दाएं घुमा, और दाएं का मतलब कि इधर, और कितना गया 10। तो ये आपका अंतिम स्थान है, ये आपका प्रारंभिक स्थान है और ये आपका अंतिम स्थान है। तो आपका कह देगा कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, तो दिशा तो आप बता ही देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आपका यही चीज पूछ रहा है। तो दिशा में इसको आप उत्तर मानते हैं, इसको आप पूर्व मानते हैं, तो दोनों दिशाओं के बीच में है चूंकि, तो दोनों दिशाओं के बीच में जो होगा तो दोनों दिशाओं से हम लेंगे, यानी इसको हम उत्तर पूर्व दिशा कहेंगे। दूरी की बात है कि कितनी दूरी पर है, तो आप इसको बना लेंगे यहां से यहां तक। एक और चीज हम बताएंगे, पहले इसको बना लीजिए, यहां से ये दूरी आपका 15 है, तो ये भी आपका कितना होगा 15, ये दूरी कितना है 10, तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा 10, यानी आधार का मान आपका 10 और 10 20 होगा और लंब का मान कितना होगा 15 होगा। तो यहां पर आप लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान आपका 15 दिया है तो 225 होगा, प्लस 10 10 20 आपका आधार का मान दिया है तो यानी आपका 20 का वर्ग कितना होगा 400 होगा। इसको कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा, या कर्णी में इसको ले लीजिए, और कर्णी में आपका 600 कितना हो जाएगा 25, और कर्ण का मान जो निकलेगा वो आपका 25 निकलेगा, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25। एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि जब ये दूरी और ये दूरी दोनों समान है तो बस केवल आप 15 और वो समान दूरी में से एक को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा 25 आएगा। यानी आपको ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कम समय में लगा सकते हैं। जैसे एक और इसी पर आधारित हम प्रश्न बता सकते हैं, जैसे यही आपका रहेगा प्रश्न और केवल दूरी कम कर दे।